अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खरगोन पुराने कलेक्ट्रेट के सामने किसानों ने दिया धरना और सौंपा ज्ञापन। खरगोन शहर सुबह से ही पुराने कलेक्टर ऑफिस के सामने एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया, जिसमें वे धरने पर बैठे और अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन किया गया और आवेदन दिया गया। आज भारतीय किसान संघ का राष्ट्रव्यापी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लेकर ज्ञापन है और इसी कड़ी में आज जिले की 10 तहसीलों पर मुख्यालय पर आज ज्ञापन दिया जा रहा है। इस संबंध में यहाँ पर है, क्योंकि बहुत कुछ छोटी तहसील की भी समस्याएं हैं। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारी खरगोन तहसील खास करके जो 45 पंचायत है सूखाग्रस्त घोषित है और आज इस शासन का दोहरा रवैया उजागर हो रहा है कि सारी सोसाइटियों के माध्यम से, बैंक के माध्यम से किसानों को परेशान किया जा रहा है ऋण वसूली के लिए, यहाँ तक कि कुर्की के आदेश निकाले जा रहे हैं। और भारतीय किसान संघ इस मांग को लेकर भी आज प्रबल आंदोलन करेगा। भविष्य में यदि ऐसा ही रवैया रहा तो किसान संघ रोड पर आ जाएगा और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट, खरगोन।